कि अगर 1 ml टॉक्सिन भी मिल जाए तो लाखों आदमी उससे मर सकते हैं। और अमेरिका और रूस ये जो है इन्होंने यही टॉक्सिन इकट्ठा कर रखी है, जिसको बोलते हैं केमिकल वार, ठीक है ना, कि कहीं भी अगर ले जाके पानी की टंकी में, तालाब में, जहाँ पर डाल दोगे और जो पिएगा वो मर ही लेगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं, बहुत जहरीली टॉक्सिन है। तो ये बैक्टीरियल वार या केमिकल वार जो नाम सुना होगा आपने बड़े बड़े देशों में इन लोगों ने, तो ये क्लास्ट्रिडियम का टॉक्सिन ही इकट्ठा कर रखा, टॉक्सिन का मतलब जहर, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप कि अगर बूस्टर लगाते हैं तो 1 साल बाद, और बूस्टर नहीं लगाते हैं तो 6 महीने के बाद इसको रिपीट करना पड़ेगा। तो दोबारा बूस्टर का मतलब दोबारा लगाना, बूस्ट मतलब किसी चीज़ की ताकत को और बढ़ा देना। जैसे मान लीजिए आपने वैक्सीन आपने लगाई, तो फर्स्ट टाइम जो वैक्सीन आप लगाओगे, सपोज कीजिए कि उसका प्रोटेक्शन 65% है, तो 14 दिन बाद जब बूस्टर आप लगा दोगे तो उसका मतलब है कि 100% प्रोटेक्शन, ठीक है। एक उदाहरण हम दे रहे हैं, बूस्टर डोज बनाने का मतलब है कि वैक्सीन की ताकत को और बढ़ा देना, ये बूस्टर डोज है। तो अगर आप दोबारा लगा दोगे तो 1 साल बाद रिपीट करना, अगर दोबारा नहीं लगाओगे तो 6-6 महीने बाद रिपीट करना। ये आप सेम डोज 2 ml डोज में कोई अंतर नहीं, चाहे बच्चा हो, चाहे बकरी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बकरा हो, चाहे कितने भी किलो का हो, जो डोज हमने बता दी है डोज उतनी ही लगेगी, सबको लगेगी, चाहे वो 3 महीने का बच्चा हो और चाहे वो 6 साल का बकरा हो। ईटी का लक्षण बता दीजिए। ईटी का लक्षण बता दिया यार, एक तो पेट फूल जाता है, सूजन, पेट में दर्द होता है, जानवर जमीन पे गिर पड़ता है, टॉक्सिन जो जहर जहर होता है, जहर खाने के बाद क्या होता है लक्षण, ये तो होता है उल्टी करता है आदमी, तो बकरी उल्टी तो नहीं करती है, लेकिन ये कि पेट फूल जाएगा, दस्त हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, चिल्लाएगा, जमीन पे गिर पड़ेगा और पैर पटकता है, दर्द होता है, तो ये लक्षण है उसके। और आपको बताएं कि जितना सबसे स्वस्थ जानवर जो होगा उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस बीमारी के होने के, क्योंकि स्वस्थ जानवर ज़्यादा खाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे आपके फ्लॉक में मान लीजिए 50 जानवर हैं, 50 जानवर में अगर मान लीजिए 10 जानवर ऐसे जो कमज़ोर हैं तो आप उनको अलग कर दीजिए, क्योंकि एक बार जो जानवर कमज़ोर होता जाएगा वो फिर कमज़ोर ही होता जाएगा। उसका कारण है कि जो स्वस्थ जानवर है उसको मार के ढकेल देते हैं, वो खा नहीं पाता है, तो जब खा नहीं पाएगा तो धीरे धीरे फिर कमजोरी होता चला जाएगा। तो आप उसमें आपको कलिंग करनी पड़ेगी, छांटना पड़ेगा जानवरों को। अगर आपको लगता है कि भाई 2 जानवर हमारे जो है कमज़ोर हैं, नहीं खा पा रहे हैं, तो उनको आप अलग खिलाइए। उसमें अगर आप फ्लैक में डाल दोगे तो जो स्वस्थ जानवर होगा तो मार के उसको पीछे कर देगा और खुद खा जाएगा, और खुद खाएगा फिर इंट्रोटॉक्सिमिया होगी। तो ये ध्यान रखिए आप, ओवर फीडिंग नहीं होना चाहिए और सडन चेंज इन फीड ये नहीं होना चाहिए, ये 2 चीज़ें हैं। तो ये हमने मेन मेन आपको बता दिया, PPR, HS, FMD, ET, ये वैक्सीन जो है मस्ट है, इसका होना जरूरी है। एक बीमारी और है गोट पॉक्स, गोट पॉक्स का मतलब बकरी चेचक, चेचक आपने देखी होगी, चेचक में जो छाले पड़ जाते हैं, इसी तरह बकरियों में और भेड़ों में भी छाले पड़ते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये बीमारी साउथ में ज़्यादा होती है, दक्षिणी भारत में ज़्यादा पाई जाती है, या बंगाल के क्षेत्र में जहाँ पर कि बरसात हमेशा होती रहती है वहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा हैं। मैदानी भागों में गोट पॉक्स रिकॉर्डेड नहीं है, और अगर रिकॉर्डेड है आप जाते हैं, आपको वेटनरी डॉक्टर ये बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ गोट पॉक्स पाई जाती है इस क्षेत्र में, तो वैक्सीनेशन इसका भी होगा और वो 10 दिन बाद इसका गोट पॉक्स का वैक्सीनेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। गोट पॉक्स की वैक्सीन मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, कोई नहीं बनाता है, अगर आपको आवश्यकता है तो आपको कलकत्ता से खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। केवल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है इस वैक्सीन को बनाती है, और वहाँ जाना पड़ेगा आपको, और अपना जो है जो भी आधार कार्ड है या कोई भी ऐसा रेफरेंस हो, या आपके क्षेत्र का जो वेटरनरी डॉक्टर हो उसे लिखवा के ले जाइए सर गोट पॉक्स की वैक्सीन चाहिए, तभी वो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि वो बंगाल में फैलती है, तो वैक्सीन उतनी ही बनाते हैं जो केवल वेस्ट बंगाल के लिए पर्याप्त है। आपको ऑर्डर पर बनाएंगे
और ऑर्डर भी वो जो आपके क्षेत्र का वेटनरी डॉक्टर है अगर वो लिख के देगा तभी वो देंगे, नहीं तो वैक्सीन नहीं देंगे आप। ठीक है सर, उसका पता होगा तो जी, उसका पता होगा तो वो भी पीपीआर की तरह आता है, पाउडर आता है और उसका डाइल्यूटर आता है। ठीक है, तो अगर आपके क्षेत्र में गोट पॉक्स है तो लगाइए और नहीं है तो मत लगाइए। ठीक है, तो उसकी भी डोज जो है 1 ml सबकट है, 1 ml सबकट है, 1 साल बाद रिपीट होगी अगर गोट पॉक्स आप लगाते हैं तो। दूसरी चीज ये है, लक्षण में ये है कि इसके शरीर में छाले पड़ जाते हैं, जैसे चेचक में आपने देखा होगा आदमियों में पड़ते हैं बड़ी बड़ी चेचक, तो जहाँ पर शरीर में बाल नहीं है जैसे थन के चारों तरफ जो पैर का निचला हिस्सा होता है पीछे अंदर का हिस्सा वहाँ पे बाल नहीं होते हैं, तो वहाँ बाल के नीचे भी छाले होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन अगर आप पलट दोगे उसको तो देखोगे थन के चारों तरफ छाले पड़े रहेंगे जैसे चेचक होते हैं, और इसमें भी जानवर काफ़ी पड़ते हैं लेकिन गोट पॉक्स रिकॉर्डेड नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, भेड़ों में तो होती है लेकिन बकरियों में नहीं होती, भेड़ों का जो शीप पॉक्स होता है और गोट पॉक्स होता है दोनों का वायरस अलग अलग। ठीक है, नहीं इसमें तो ये वैक्सीन है जो आपको लगानी है और मस्ट है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। बाकी देखिए कहाँ मिलेगी ये मैं बताता हूँ आपको, आप जहाँ भी हैं आप अपने जिले पे जाइए, जिले पे कोई ना कोई ऐसी दुकान होगी जो एक्सक्लूसिव वेटरनरी मेडिसिन बेचती होगी, होलसेल मार्केट जहाँ होगी ना दवाओं की, वहाँ पर आदमियों की भी दवाएँ बिकती हैं और कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो केवल जानवरों की दवाएं बेचती हैं, तो उस दुकान पे आप जाएंगे तो उनको आप बता दीजिए भाई मैं बकरी फार्म खोलना है, मुझे पीपीआर रक्षा वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन वहाँ मिलेगी नहीं आपको, उसका कारण है कि जो चीज़ फेंकेगी नहीं वो कोई रखता नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है उनको बता दीजिए भाई ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद की वैक्सीन है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके पास आते रहते हैं, MR जिनको बोलते हैं तो उनसे मिलवा देगा, फोन पे बात करा देगा, उनसे बता दीजिए भाई मुझे 100 डोज वैक्सीन पीपीआर अच्छा चाहिए और ईटी इतना चाहिए या फलानी वैक्सीन इतना चाहिए, वो आपको मैनेज करा देगा। ठीक है ना, लेकिन अगर वो कहता है भाई हम 100 डोज तो नहीं दे पाएंगे आपको, तो उस समय आपको वैक्सीन लेने के लिए कहीं नहीं मिल रही है तो 2 एड्रेस हम नोट कराते हैं, लिखिए अछनेरा मेडिकल स्टोर, देखिए अछनेरा मेडिकल स्टोर, अछनेरा मेडिकल स्टोर, संत सूरी मार्केट फुआरा आगरा, ये वैक्सीन रखते हैं संत सूरी मार्केट फुआरा आगरा अछनेरा मेडिकल स्टोर, एक तो ये है। दूसरा एड्रेस लिखिए इंटरनेशनल सर्जिकल कंपनी लिमिटेड शर्मा बिल्डिंग MI रोड जयपुर। अगर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी तो यहाँ जरूर मिलेगी। ठीक है ना, इसका फ़ोन नंबर हम आपको दे रहे हैं, आप फ़ोन कर लीजिए उनको बता दीजिए कि भाई मैं इस तारीख को आ रहा हूँ मुझे इतनी डोज वैक्सीन चाहिए, आप व्यवस्था करिए और जब वो बताएंगे आप जाओ ले आओ। ठीक है ना, नंबर मैं बता दूंगा आपको। तो अछनेरा मेडिकल स्टोर लाना, इधर लाना, ये अछनेरा मेडिकल एजेंसी संत सूरी मार्केट में
इंटरनेशनल सर्जिकल कंपनी, इंटरनेशनल सर्जिकल कंपनी शर्मा बिल्डिंग, एम आई रोड, जयपुर। ¿Qué es esto?